नमस्कार। जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों के बाद आते हैं हम जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो जीवाणुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में किया था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को श्रेणी क्वास और वर्ग वर्मा में रखा। जीवाणुओं का वर्गीकरण सूक्ष्मदर्शी परीक्षणों के आधार पर उनकी आकृति, साइज और अभिरंजन क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। जनरली इनका वर्गीकरण इन्हीं के आधार पर किया जाता है, लेकिन कई अवसरों पर इनकी कॉलोनी की आकारी की विशेषता, फ्लैजेला की उपस्थिति, पोषण विधियां, जैव रासायनिक लक्षण, डीएनए संकरण और आरएनए कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण के द्वारा कारक श्रृंखलाओं की तुलनात्मक विश्लेषण, रोगजनकता, एंजाइम की कार्यप्रणाली इत्यादि विशेषताओं के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। साइंटिस्ट ने इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण दिया है। सर्वप्रथम जो वर्गीकरण दिया तो नागेली ने 1867 में पादप के गुण जंतुओं की तुलना में अधिक होने के कारण इनको एक अलग वर्ग साइजोमाइसिटीज में रखा। हैकल ने जीवाणुओं की जगत प्रोटिस्टा में अन्य सूक्ष्म जीवों के जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई के साथ रखा इनको। क्रियात्मक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सर्वप्रथम जीवाणुओं का वर्गीकरण करने का श्रेय एफडी चेस्टर को जाता है। उनके सौजन्य से उन्होंने मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेचर बैक्टीरियोलॉजी नामक पुस्तक में इनका वर्गीकरण दिया है। उसके बाद डेविड बर्जीस ने बर्जीस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेचर बैक्टीरियोलॉजी नाम से अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की है और इस पुस्तक के 7वें संस्करण में इस पुस्तक का जो पहला संस्करण है वो 1929 के अंदर प्रकाशित हुआ था और उसके अंदर जीवाणुओं को मुख्यतया समलक्षणिक फिनोटिपिक कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जैसे जैसे जैव रासायनिक और आणविक स्तर पर किए गए अनुसंधानों से जो नई सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार पर और उत्तरोत्तर संकरण पुस्तक के आते गए तो 7वां जो संस्करण है 1957 में प्रकाशित हुआ और उसमें विभिन्न जैव रासायनिक लक्षणों को आधार बनाया और जीवाणुओं को फाइलम प्रोटोफाइटा के अंतर्गत रखा गया और इसके अंदर दो वर्ग बनाए गए। इन दो वर्गों में एक वर्ग साइजोफाइसी जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया और दूसरा वर्ग साइजोमाइसिटीज जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया। साइजोमाइसिटीज जो वर्ग है इसमें 10 ऑर्डर में इसको विभेदित किया गया जो इस प्रकार से हैं। ऑर्डर फर्स्ट स्यूडोमोनिडेल्स जिसके अंदर जो इनके जिन लक्षणों के आधार पर स्यूडोमोनिडेल्स के अंतर्गत रखा गया बैक्टीरिया ऑर्डर बनाया गया वो है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ पैरासिटिक नेचर के भी हैं। इनका स्ट्रक्चर वक्रित, कर्व्ड या स्पाइरल, छड़ाकार और ये लोफोट्राइकस टाइप के होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास इत्यादि। दूसरा ऑर्डर जो है और जो स्यूडोमोनोडेल्स ऑर्डर है इसके अंतर्गत 7 कुलों को रखा गया है। दूसरा ऑर्डर है क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स, इसके अंदर 3 कुल रखे गए हैं और इसके अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया सब जलीय हैबिट के होते हैं। जैसे एग्जांपल है लेप्टोट्राइकस। उसके बाद जो ऑर्डर है तीसरा हाइपोमाइक्रोबियल्स, इसके अंदर 2 कुल रखे गए हैं और जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो गोलाकार से नाशपति के आकार का होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया मड में यानी कीचड़ में पाए जाते हैं
और इनके अंदर जनन की प्रक्रिया जो है वो मुड़ी मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा होती है। एग्जाम्पल है हाइपोमाइक्रोबियम। इसके बाद जो चौथा ऑर्डर है, चौथे ऑर्डर में यू बैक्टीरियल्स, इसके अंदर 13 फैमिली रखी गई है और ये सीधे, छड़ाकार, गोल, गतिशील, अचल या फिर पेरिट्राइकस प्रकार के होते हैं। इनके अंदर जनन विखंडन के द्वारा होता है, जैसे राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस एटसेट्रा। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटेल्स ऑर्डर पांचवा, जिसके अंतर्गत 4 फैमिलीज रखी गई हैं और इसमें आने वाले बैक्टीरिया लगभग फिलामेंटस होते हैं और फिलामेंटस एवं शाखित होते हैं और जनन इनमें बीजाणुओं या ओइडिया के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है इसका एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इत्यादि। छठा ऑर्डर जो है वो कैरियोफेमेल्स, ये कैरियोफेमेल्स के अंतर्गत 3 फैमिलीज रखी गई हैं और बैक्टीरिया की संरचना फिलामेंटस तंतु रूपी, तंतु जैसी बड़ी और खंडित, इनके अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो तंतु जैसे बड़े या फिर खंडित कशाभिकाएं होती हैं और संकोशी या नलिकाकार या सेप्टेट कशाभिकाएं भी होती हैं। जनन इनमें गोनिडिया के द्वारा होता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका ऑर्थोमाइसिटिस, कैरिफेमेनोन। उसके बाद सातवां ऑर्डर जो है वो है बेजियोटोटेल्स, इसके अंतर्गत 4 फैमिलीज रखी गई हैं। इनके अंदर जो कशाभिकाएं हैं वो एकल होती हैं या फिर सामूहिक तंतु रूपी होती हैं, एट्राइकस भी होते हैं और जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है बेजिएटिया। आठवां ऑर्डर जो है वो मिक्सोबैक्टीरियल्स, इनके अंदर म्यूसिलेश युक्त पतली लचकदार छड़नुमा संरचना होती है इनकी और इनके अंदर क्रीपिंग, ये चलन जो है वो विसर्पी या क्रीपिंग होते हैं, क्रीपिंग मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं इनको और ये प्रायः मिट्टी में या गोबर में पाए जाते हैं। जनन इनमें विखंडन के द्वारा होता है। माइक्रोकोकस सिप्टोफेग, ये इसका एग्जाम्पल है और इसके अंतर्गत 4 कुल रखे गए हैं। नाइन्थ ऑर्डर जो है वो है स्पायरोकीटेल्स, इसके अंतर्गत 2 फैमिलीज रखी गई हैं और सेल्स जो हैं बैक्टीरियल सेल पतली, लचीली, सर्पिलाकार और प्रोटोजोआ के समान भी हो सकती हैं, सर्पिल गति प्रदर्शित करते हैं और एट्राइकस होते हैं और जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है। ट्राइफोनीमा स्पायरोचिट इसका एग्जाम्पल है, स्पायरोकिट इसका एग्जाम्पल है। लास्ट 10th ऑर्डर जो है वो है माइकोप्लाज्मेटेल्स, इनकी कोशिकाएं जो हैं वो फ्रैगिल मतलब भंगुर होती हैं और फिल्ट्रेट छनन योग्य होती हैं और प्लियोमार्फी प्रदर्शित करते हैं, अचल होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। और इसके एक जो एग्जाम्पल है वो है ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और मैमल्स और पक्षियों के निचले जनन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो ये जो ये तो 19 बर्जिस के द्वारा दिया गया 7th संस्करण के अंदर जो क्लासिफिकेशन था वो था। इसके बाद जो है वो 1957 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद जो बुचमैन एंड गिब्सन नाम के साइंटिस्ट ने बर्जिस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेट बैक्टीरियोलॉजी, इसका 8th संस्करण जो 1974 में प्रकाशित हुआ, इसमें बैक्टीरिया को 19 ऑर्डर्स में बांटा गया है।
और ये वाला 19 समूह के अंदर इनको बांटा गया है। और इन समूहों को जो है ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है 19 समूह के अंदर, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इस वर्गीकरण को मान्यता दी गई है। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत जीवाणुओं को उनके पोषण, गतिशीलता, संरचना, जनन आदि लक्षणों को आदि मुख्य लक्षणों के आधार पर इनको विभेदित किया गया है। जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, शीतेट बैक्टीरिया, मतलब जो इनकी विशेषता है कि पोषण विधि के आधार पर तो फोटोसिंथेटिक है यदि तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग गति करते हैं तो ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, इस तरह से ये बर्जिस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो ये यहाँ पर ये जो नीचे ये जो है बर्जिस के द्वारा 1974 के अंदर दिया गया है, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इस क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको डिवीज़न किंगडम प्रोकैरियोटी के अंतर्गत रखा गया है। प्रोकैरियोटी को दो डिवीज़न में बांटा गया है, एक डिवीज़न साइनोबैक्टीरिया और दूसरा है बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया डिवीज़न के अंदर ये यहाँ पर ये प्रोकैरियोफाइटी और यहाँ पर इसको डिवीज़न के अंदर प्रोकैरियोटी के अंदर दो डिवीज़न बनाए, ये एक डिवीज़न है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा डिवीज़न है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया डिवीज़न जो है वो यहाँ पर लिख दिया है नीचे। तो बैक्टीरिया के अंदर ये इस तरह से इनकी जो लक्षणों की विशेषता है उसके आधार पर बनाया गया है। तो जैसे फर्स्ट है जो वो है बैक्टीरिया डिवीज़न का जो फर्स्ट समूह है वो है वो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं और कभी कभी ये जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्लाइम निर्मित करते हैं और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से इनको ग्लाइडिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये जलीय वातावरण में मृदा व जलीय वातावरण में बहुतायत से पाए जाते हैं। शीतेट बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड या फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं और इनमें आयरन मैंगनीज से निर्मित अविलेय पदार्थों की एक शीट पाई जाती है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। फिर बडिंग या अपेंडिजेस बैक्टीरिया, इस समूह के बैक्टीरिया के अंदर सेल सेल जो है वो एक फिलामेंट की या एक फाइबर की अतिवृद्धि विकसित होती है और जिससे जिसको हम कहते हैं प्रोस्थिका, और ये होल्ड फास्ट को निर्मित करती हैं, प्रोस्थिका कहते हैं। और अन्य में होल्ड फास्ट निर्मित करते हैं। तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं ये किसी वस्तु से उसको संलग्न होने में सहायता करते हैं। स्पायरोकीट, ये जीवाणु सिलेंडर और फ्लैक्सस होते हैं, कुंडलित होते हैं और ये इनमें कुछ मृतोपजीवी सेप्रोफाइट होते हैं और कुछ पैरासाइट होते हैं। स्पाइरल या कर्व जैसा नाम है स्पाइरल, तो ये कुंडलित होते हैं, स्पाइरल होते हैं और कुछ जातियों में ये पूर्ण रूप से स्पाइरल नहीं होते हैं और कुछ में ये कॉमा के आकार के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव कॉकस रॉड एंड कॉकस बैक्टीरिया, इस समूह के जो जीवाणु हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं और वायवीय जीवाणु में इनको सम्मिलित किया गया है। जैव रासायनिक लक्षण में ये जो है वो वायु वायु में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। फिर ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रॉड्स, तो
ये रॉड के समान होते हैं, और जो सामान्य जो है ये फैकल्टेटिव अवायवीय जीवाणु एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये पेरिट्राइकस होते हैं, गतिशील पेरिट्राइकस होते हैं। ग्राम नेगेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया ये प्लियोमार्फिक होते हैं, बहुरूपी होते हैं, और मनुष्य की जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी इंटेस्टाइन इनमें पाए जाते हैं, मोनोट्राइकस प्रकार के या पेरिट्राइकस प्रकार के भी हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव कॉकस या कॉकस एंड कोको बैसिलाई ये भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, और कॉकस या गुलाब दंडाणु इस प्रकार के होते हैं, और ये मनुष्य की या कह लो एनिमल की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव एनएरोबिक कॉकस ये ग्राम नेगेटिव स्फेरिकल शेप के होते हैं। ग्राम नेगेटिव क्यूमोलिथोट्रॉपिक ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा व्युत्पन्न करते हैं। रॉड लाइक होते हैं, गोलाकार या सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। मिथेन प्रोड्यूसिंग या मिथेनोजिक जिनिक बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया अवायवी दशाओं में मतलब एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर मिथेन का फॉर्मेशन करते, मिथेन बनाते हैं, और ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव कॉकस बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और रोगजनक मृतोपजीवी कोकाई जीवाणु है ये एकल या युग्मों में पाए जाते हैं। स्पोर फॉर्मिंग एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड कोकाई इस समूह के जीवाणुओं के अंदर एंडोस्पोर के निर्माण की क्षमता होती है, और ये रॉड शेप्ड होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ए स्पोरोजिनस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एनएरोबिक होते हैं, और अधिकांशतः दूध और दूध के उत्पादों में पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस इत्यादि। और जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, और कुछ जो हैं वो मनुष्य की इंटेस्टाइन और वेजाइना में भी पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म तो ये प्लियोमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, और शाखित ब्रांच्ड फिलामेंट बनाने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, और ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और ये मनुष्य में रोग फैलाते हैं। रिकेट्स ये सूक्ष्मतम जीवाणु होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, अचल होते हैं, और फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, और मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं इनके द्वारा। माइकोप्लाज्मा इस समूह के जीवों में एक ट्रू सेल वॉल पाई जा ट्रू सेल वॉल का अभाव होता है, और इनके अंदर जो सेलुलर कंटेंट है वो एक नॉन रिजिड सेल वॉल के द्वारा परिबद्ध होता है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और एनारोबिक होते हैं, और स्तनधारी और पक्षियों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्लासिफिकेशन है बर्जिस के द्वारा जो 1974 में बुचमैन एंड गिब्सन के द्वारा संपादित किया गया था, ये क्लासिफिकेशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ केवल हेडिंग्स दिए हैं, और इनके बारे में आपको बता दिया कि बैक्टीरिया ये किस तरह के किस समूह के अंदर कौन से बैक्टीरिया की क्या विशेषता है जिसके आधार पर इनको रखा गया है। हमारे यहाँ जो हम जो उपयोग में लेते हैं वो ये वाला ही क्लासिफिकेशन होता है जो 1957 के अंतर ये जो प्रदर्शित किया गया था, ये वाला क्लासिफिकेशन उपयोग में लिया जाता है। धन्यवाद।